वेलकम बैक गाइज ऑन माय सेकंड चैनल रिव्यू ऑफ रोम। और आज मैं आपके लिए फिर से अगेन हाजिर हुआ हूँ रेडमी 4 यूजर्स के लिए बेस्ट रोम का रिव्यू लेकर, जिसमें आपको सुपर डुपर बैटरी बैकअप मिलने वाला है और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जितने भी अब तक के रोम दिए उनमें से सबसे नंबर वन पे ये आ जाता है रोम अपनी बैटरी बैकअप की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है 37 आवर्स पहले फ्लैश किया गया था और 10 आवर्स 48 मिनट है जो यहाँ पे है, जो आपको डिस्प्ले ऑन टाइम मिला है और बैटरी भी 24 है। तो ये कभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है रियल इम्प्रूवमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस ओएस का नाम है रिवेंज ओएस। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं इसके बाकी डिटेल्स और क्या नए फीचर्स आपको इस अपडेट में देखने को मिल जाते हैं, वो सारी डिटेल मिलने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहे और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो रिव्यू ऑफ रोम पे, तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस करें बेल आइकन पे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका बेनिफिट उठा पाओ। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है, मेरे इन्फो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना तो भाई बिल्कुल ही ना बोले, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भी जरूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 9 मिलता है, अभी एंड्रॉइड 10 का सिलसिला शुरू हो चुका है बट अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है उसमें। और MIUI 11 आ चुका है ऑलरेडी रेडमी 4, रेडमी नोट 4 और बाकी अदर डिवाइसों के लिए, जो कि मैं फिलहाल अभी यहाँ पे देख सकते हो यूज कर रहा हूँ। और आपने इसका रिव्यू नहीं वॉच किया है ना, तो फटाफट जाओ मेरे फर्स्ट चैनल टेक ऑफिस पे, और बहुत सारी वीडियोज मिलने वाली है आपको फ्लैशिंग से रिलेटेड, फीचर्स से रिलेटेड, रेडमी 4, रेडमी नोट 4, K20 7 Pro और बाकी अदर डिवाइसों के भी आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट फोनिक्स कर्नल यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, एक CF बिल्ड आपको मिलता है और रिवेंज का जो वर्जन है वो है 2.6 पास्टा अनऑफिशियल सेंटोनी 2। तो ये एक अनऑफिशियल बिल्ड है, तो कुछ लोग डाउट करते हैं कि भाई अनऑफिशियल है तो क्या ऑफिशियल जैसा बेटर होगा, तो इसके लिए मैंने बहुत टाइम पहले भी वीडियो दिया था। तो ऑफिशियल और अनऑफिशियल एक बस एक टैग होता है, डिपेंड करता है मेंटेनर के ऊपर, डेवलपर के ऊपर कि इसे किस तरीके से मेंटेन किया गया है। अगर परफेक्ट है तो ऑफिशियल और अनऑफिशियल कोई मायने नहीं रखता है, तो वही चीजें आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। अपडेटर पे आते हैं तो आपको एडवांस मिलता है, जहां पे आप मल्टी अकाउंट यूज कर सकते हो, तो काफी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। गेस्चर के अंदर आपको स्वाइप अप होम बटन मिलता है, फुल इनेबल गेस्चर और साथ ही डबल टैप का भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाता है, बट आप नेप बार यूज करोगे तब ये काम करेगा। स्क्रीन शॉट का भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है। आगे क्यों चलते हैं तो डिटेल वेलिंग आपको बताते हैं क्या क्या चीजें यूज की गई है। तो आज तो ज्यादा कुछ यूज नहीं किया गया, लेकिन इसकी फुल डिटेल मेरे पास अवेलेबल है कि क्या क्या चीजें यूज की गई है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फिंगरप्रिंट के रिस्पॉन्स में, तो आपको फेस अनलॉक डिफॉल्ट इनेबल मिलता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 का क्लॉक और बाकी अदर क्लॉक के फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाते हैं। आइटम अंडर हेल्थ द क्लॉक और यहाँ पे जो क्लॉक विजार्ड, PF अनलॉक, लॉकडाउन ऑप्शन, एड विजेट फ्रॉम लॉक स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के मैसेज आप मॉडिफाई कर सकते हो, यानी रखना है नहीं रखना है या फिर सिर्फ नोटिफाई करना है। पावर इंस्टेंट क्विक अनलॉक और फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स आपको पता ही है कि रिवेंज में आपको हल्का सा फास्ट मिलता है बाकी अदर के मुकाबले, तो फिंगरप्रिंट का जो रिस्पॉन्स है ना वो काफी मजेदार आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो फिंगरप्रिंट के लिए टेंशन नहीं लेना है, अभी तक के जितने भी रोम आए सबसे फास्ट इसका आपको फिंगरप्रिंट का रिस्पांस मिलता है, तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर हम साउंड की ओर चलते हैं, साउंड की ओर नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पे MI साउंड इनहेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि MIUI का साउंड इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है कस्टम रोम के ऊपर, तो ये भी आपको काफी अच्छा साउंड देता है। और यहाँ पे जो कलर मैंने चेंज किया है, तो हर एक कलर में आपको ग्रेडियंट कलर देखने को मिलता है, तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव बनाता है इसके लेआउट को। जो भी बटन आप इनेबल रखोगे यहाँ पे तो काफी अच्छा सा लुक लगता है। और यहाँ पे आपको स्टेटस बार का जो एरिया है वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, तो एक अलग सा लुक ये भी प्रोवाइड करता है आपके फोन को। डिस्प्ले के अंदर आपको लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन, साथ साथ यहाँ पे कलर फील का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको पता होगा यहाँ पे मोल्ड वगैरह मिल जाती है, लाइटिंग मिल जाती है और बहुत सारे कलर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो जो भी कलर्स आप रखना चाहते हो, जो भी पसंद है वो आप चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं चेंज कर रखा हूँ। यहाँ पे आपको एम्बियंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन अपेयर से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई देते हैं और पॉकेट डिटेक्शन, टैप टू बैकअप और डिस्प्ले कटआउट का एक नया फीचर ऐड किया गया है। तो आप इम्प्रेस पे डालते हो तो कुछ इस टाइप का आपको हो जाएगा, एक बार ऑन करते हैं आपका डिस्प्ले कट हो जाएगा लेकिन सारे नोटिफिकेशन ऊपर शो होने लगेंगे, लुक लाइक पिक्सल नहीं सॉरी यहाँ पे आपका वन प्लस डिवाइस जैसे शो होने लगते हैं, जिसके OS पे भी मैंने आपको वीडियो दिया था। अगर आप यहाँ पे हाइड करते हो तो यहाँ पे तो भाई नॉच है नहीं, हमारा रियली में नॉच नहीं है, तो कुछ खास बेनिफिट आपको हाइड करने का नहीं मिलता है। तो हाइड और नॉर्मल दोनों सेम आपको दिखाई देंगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं क्योंकि हमारा तो सपोर्ट है नहीं इसका। और यहाँ पे आपको डबल टैप का भी बैकअप सपोर्ट मिल जाता है, तो डबल प्लस पॉइंट मिलता है और ट्रिपल आपको जो कटआउट यानी हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा फीचर्स है।
कस्टमाइजेशन के बारे में आप अच्छे से तरीके से जानते हो कि क्या कुछ हमें नए कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, तो सिम कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन उसके बाद अलावा क्या नए फीचर्स मिलते हैं, तो लॉन्गर स्क्रीन शूट की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो आप लॉन्ग पेज का वन टाइम में सिंगल क्लिक पे स्क्रीन शूट क्लिक कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है। ऑक्सीजन ओएस के रोम से पोर्ट किया गया, यानी वन प्लस के डिवाइस से, और उसे आप वन टाइम में सेव करके रख पाओगे, जितना भी लॉन्ग पेज हो सबका ले लेगा रिकॉर्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबके यूआई चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको लॉन्चर आता है जिसका यूआई है, सेम वही यूआई आपको देखने को मिलता है इस रिवेंज ओएस पे। तो पूरा यूआई के जो कलर्स वगैरह है आइकन के, वो सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट, वाईफाई और ब्लूटूथ अच्छे तरीके से काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल ब्लूटूथ यूज कर रहा हूँ, तो कोई भी टेंशन नहीं है। कॉलिंग में, वीडियो कॉल में, सब में आपका वर्किंग मिलता है। साथ साथ यहाँ पे नया ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सिम वन से सिम टू स्विच करने का। अगर ड्यूअल सिम आप यूज कर रहे हो और सिम वन का नेट खत्म हो गया, सिम टू पे स्विच करना है, तो आप यहीं से स्विच कर पाओगे। बस यहाँ पे मैं सिंगल सिम यूज कर रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी फैसिलिटी ऐड की गई है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, गेमिंग मोड भी आपको मिल जाता है। और डेस्कटॉप का जो बहुत सारे यूजर्स पूछते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंड डेस्कटॉप का फैसिलिटी है या नहीं, तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सपेंडेड और नॉर्मल, एक्सपेंडेड और नॉर्मल का भी फैसिलिटी आपको मिल जाता है। और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे आप तो देखोगे लाइव डिस्प्ले, यूएसबी थर्डिंग और साथ ही कैफिन, इनवर्ट कलर, एमआई साउंड इनहेंसर, इतने ही ऑप्शन आपको जो देखने को मिल जाते हैं। तो एमआई साउंड इनहेंसर है जो आप यहाँ से भी इनेबल और डिसेबल कर पाओगे। अगर रिकॉर्डिंग की ओर आते हैं तो इसका जो रिवेंज का ओल्ड वाला रिकॉर्डिंग है वही आपको मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे सिस्टम पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो फ्रॉम द माइक्रोफोन वेल विल बी इंट्रोड्यूस द वीडियो। तो यहाँ पे आप जो सिस्टम साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अगर आप सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करने के आदि हो तो आपको छोटी सी निराशा यहाँ पे हो सकती है कि भाई हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। आगे और चलते हैं तो इसका जो स्कोर है वो काफी अच्छा मिलता है, जिसके हिसाब से आप गेमिंग काफी अच्छे तरीके से प्ले कर पाओगे मजे से। जैसा कि आपको Redmi के बहुत कम रोम है जो प्रोवाइड करते हैं अच्छी गेमिंग। तो यहाँ पे आप देखते हो तो जो स्कोर हमें मिला है 59709 का, तो हवोक का जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगा। इसके ग्राफिक्स काफी ज्यादा इनहेंस किए गए हैं, आप देख सकते हो कलर काफी ज्यादा बूस्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो पबजी के टाइम आपको ग्राफिक्स में काफी ज्यादा है जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और काफी ज्यादा आपको मजा भी आएगा पबजी को, यानी गेम को प्ले करने में, क्योंकि ग्राफिक्स इनहेंस किया गया है। आप यहाँ पे कैमरा यूज करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि सम टाइम कोई कोई कैमरा है जो पोर्ट्रेट में काम नहीं करता है, क्योंकि ट्रेवल और नॉन ट्रेवल के बीच है जो कैमरा बेचारा फंस गया है। तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो दिया था जिसके थ्रू आप सेल्फी का पोर्ट्रेट पिक्चर क्लिक कर पाओगे, कोई भी इशू जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट्रेट भी क्लिक हो जा रहा है, जबकि आपके पास अगर नॉर्मल जीकेम है तो वो पोर्ट्रेट क्लिक नहीं कर पाएगा इस रोम पे। तो उस वीडियो को आप वॉच कर लेना, उसका है जो पोर्ट्रेट वाले पिक्चर भी यहाँ पे क्लिक कर पाओगे, कोई भी दिक्कत देखने को आपको नहीं मिलती है। FMV भी आपका वर्किंग है, आप विदाउट रूट और रूट करने के बाद भी बैंकिंग के ऐप यहाँ पे यूज कर पाओगे। बस आपको जो मैजिक हाइड में आके अपने टोटल ऐप्स को हाइड कर देना है, जो भी आपका बैंकिंग वाला रिलेटेड ऐप है, उसके बाद आप बैंकिंग भी मजे से यूज कर सकते हो बिना किसी परेशानी और प्रॉब्लम के। और नीचे की ओर आते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे क्या, तो रेट्रो का म्यूजिक प्लेयर, जो कि जिसका आप है जो यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद है और किस पे ज्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं। अब आते हैं इसके रियल बैटरी बैकअप के डिटेल के ऊपर। सो इसे फिलहाल मैं 3 डेज से कंटिन्यू यूज करता आ रहा हूँ और मुझे काफी अच्छा लगा है पर्सनली, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 15% बैटरी लेफ्ट है। और इसे मैंने जो यहाँ पे किया था 22 आवर्स पहले और 8 आवर्स 28 मिनट का मिल गया है। उसके बाद दोबारा मैंने चेक किया 6% यूज करके, तो मुझे यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिला 10 आवर्स 15 मिनट का। जी हाँ, 10 आवर्स 15 मिनट का डिस्प्ले ऑन टाइमिंग है। 24 आवर्स यानी कम्प्लीट 1 डे पहले इसे फ्लैश किया गया था। तो आपको यहाँ पे जबरदस्त सुपर डुपर बैटरी बैकअप के साथ साथ डिस्प्ले ऑन टाइमिंग देखने को मिल जाता है। जबकि मैं यहाँ पे बता दूं कि गेमिंग वगैरह नहीं प्ले किया गया, यूट्यूब यूज किया गया 4 आवर्स के आसपास तक, और करीब 2 आवर्स तक फेसबुक यूज किया गया है, और 17-15 मिनट तक है जो फोन कॉल्स वगैरह जो यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो बैटरी का इंप्रूवमेंट आपको काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने नई बैटरी डाली है, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत कम मिलेगा, बट यहाँ पे रियलमी परफॉर्मेंस और बैटरी का काफी ज्यादा इंप्रूव्ड आपको देखने को मिल जाता है। सो आई होप मैंने यहाँ पे आपको फुल डिटेल दे दिया है। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। क्वेश्चन पूछने के कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। बस आपको इतना ही करना है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को इनेबल करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है टेक ऑफिस का, ही एक आप प्लेलिस्ट मान सकते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट वीडियो मिलेगी टॉप वन ऑफ द बेस्ट रोम की, जिसे आप डेली यूज कर पाओगे लाइफ में एक बार वॉच करने के बाद। ठीक है, सो बाय बाय।